अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे। आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। आज के टाइम पे जब वो एक महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे ओकरा कोंची का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोंची का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, आप इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर। तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो एक काम बस मेरा एक महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे चले जाते हैं। तो क्या 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुंचते 8:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहें एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से। हम कहें नहीं, यही इस गड़बड़ है, आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे। आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। तो कहे आई क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए एकदम। हम भाई देखे तो एक महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-2 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-2 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। हम तो भैया एक महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो एक महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2-3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डील डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा, बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा। नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइड कर देगा। और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट किया।